अच्छा लग रहा था कि नेशनल हाईवे की दौड़ लेनी हो रही है। हट्टा परसौल में हमने लड़ाई लड़ी थी, उस समय किसी से भी जमीन छीन ली जाती थी, कोई भी अफसर, चीफ मिनिस्टर गरीब किसान से दो मिनट में जमीन छीन लेता था। हमने लड़ाई लड़ी और आज शायद यहां पे लोग खुशी से अपनी जमीन देना चाह रहे हैं। मतलब अमेरिका के कोई उद्योगपति आए थे एक दो साल पहले आए और मुझसे उन्होंने कहा कि ये जो जमीनी अधिकरण बिल है इससे जमीन लेना मुश्किल हो जाए। और मैंने उनको जवाब दिया था कि देखिए जमीन किसान की है, अगर आप किसान को सही दाम देंगे आपका काम जल्दी से जल्दी होगा, मगर अगर आप किसान को ठगने की कोशिश करेंगे तो हम आपको ठगने नहीं देंगे। और प्यार से सिर्फ अमेठी में नहीं पूरे देश में प्यार से किसान अपनी जमीन दे रहा है क्योंकि उसकी इज्जत हो रही है। और जो हाईकोर्ट पे ही है वो घूम रहे हैं इधर उधर राहुल जी, थोड़ी सी मैं आपको राहुल जी इधर उधर जीएसटी के बारे में बताना चाहता हूं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे जो प्रोग्राम है अलग अलग प्रोग्राम उनको चलाते हैं। मोदी जी आए पार्लियामेंट में, पहले दो तीन महीनों में उन्होंने भाषण दिया, कहा कि नरेगा बिल्कुल बेकार चीज है। हेलो, अरे वो कुछ ही महीने बाद के बोल रहे हैं ना, फ्रेम इधर उधर करना पड़ रहा, बात समझ आई। और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ इस योजना में फायदा है, मगर कांग्रेस पार्टी जब योजना बनाती है वो जनता के बीच में जाके बनाती है। हमने जो नरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, हमने जनता से बात की, उनसे बात करने के बाद, उनकी सोच समझने के बाद हमने प्रोग्राम किया। बीजेपी के लोग ये काम नहीं करते। जैसे मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं भैया तुम्हें स्वच्छ भारत चाहिए या नहीं चाहिए। एक दिन सुबह उठेंगे कहेंगे भैया मुझे स्वच्छ भारत चाहिए, तो चलो पूरे हिंदुस्तान को झाड़ू पकड़ा तो शुरू कर दो। मगर इससे बात बनती नहीं। जीएसटी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था और उसमें दो तीन सोच थी। पहली सोच थी जो आपने हमें बताई, जो छोटे दुकानदारों ने बताई, छोटे किसानों ने बताई, जो मैन्युफैक्चर करते हैं उन्होंने बताया कि भैया देखो अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, सर्विस टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, 10-15 टैक्स, इनको आप हटाइए और आप एक टैक्स लगाइए। दूसरी बात आपने कही कि मगर एक बात मत भूलना, अगर आप एक टैक्स लगाओगे तो वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। और आपने हमें बताया कि 18% से ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो हमारी जीएसटी में एक टैक्स था और वो था 18% का टैक्स। आपकी बात सुनी और हमने कहा कि देखो भैया 18% से ज्यादा किसी को टैक्स नहीं देना चाहिए। बीजेपी ने जीएसटी को लागू किया, मगर जीएसटी को समझे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 5 अलग अलग टैक्स बना दिया। 28% तक टैक्स
लगा दिया। हर प्रदेश में अलग अलग कानून बना दिए। छोटे से दुकानदार को हर महीने 3 फॉर्म भरने पड़ते, साल में 36 फॉर्म। अजीब सी बात आपको बताता हूं, एक दुकानदार से मेरी बात हो रही थी, मुझे कहता है राहुल जी एक बात बताइए, वो मिक्सचर होता है ना काजू किशमिश वाला, वो कहता है मुझे बात समझ नहीं आई कि ये मेरा, मैं पैकेट बेचता हूँ मिक्सचर, उसमें काजू है, उसमें बादाम है, उसमें किशमिश है, उसमें पिस्ता है, किसी चीज का 18% है, किसी का 2% है, किसी का 28% है। मैं कौन सा रेट से मांगू या मैं मिक्सचर बेचकर बेच कर बंद करता? तो ऐसी अलग अलग कहानी है, और इन्होंने जीएसटी को समझा नहीं है और गलत जीएसटी लागू कर दी। हर छोटा दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, मीडियम साइज बिजनेस वाले तंग आ रहे, रो रहे हैं, और लाखों के बिजनेस बंद हो, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ये युवा बैठे हैं यहां पे, हिंदुस्तान में हर रोज 30,000 युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं, ठीक है, 30,000। आपको मालूम है 30,000 में से रोज कितनों को रोजगार मिलता है? किसी को मालूम है? 400। 30,000 युवा हर रोज, हर 24 घंटे 30,000 युवा आते हैं, कहते हैं भैया हमें रोजगार चाहिए। मैं बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा, बस 24 घंटे की बात कर रहा हूं। और 30,000 में से हम सिर्फ 400 को रोजगार देते हैं। ये है मोदी सरकार एनडीए का मेक इन इंडिया मुकाबला। चल रहा भैया, चल रहा मुकाबला हमारा चीन के साथ है। चीन बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान बड़ा देश है। आप मुझे बता सकते हो चीन में हर रोज कितने रोजगार पैदा होते हैं, मिलते हैं? कितने? कितना? यहाँ 400। चीन और हिंदुस्तान में तकरीबन वही है, और पॉपुलेशन एक ही, पहले उसकी वही, कोई ज्यादा फर्क नहीं। यहाँ पे 400। चलो चलो बाद में करना, भी ज्यादा वो भी आप बताओ, थोड़ा तो काम करो। आपने 4,000 बोला, और कोई बोलो। हर रोज चीन में बड़ा बैठ जाओ, ये 50,000। हर रोज चीन में 50,000 नए युवाओं को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान में 450। फोन करना सूरज, बाकी लोगों को 30,000 में से जो बच गए उनको रोजगार नहीं मिलता। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करेंगे, स्वच्छ भारत की बात करेंगे, स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, मगर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो ये हमारे सब युवा खड़े हुए यहां बैठे हुए हैं, इनको रोजगार देने का काम मोदी जी नहीं कर पाए, सच्चाई। और ये पूरे देश को पता लग रहा है, पूरे देश को मालूम है कि भैया इस व्यक्ति ने हमें कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, और इस व्यक्ति की बस की नहीं है। पूरे देश को पता लग रहा है, मगर नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गुस्सा बढ़ता जा रहा है। युवाओं को लग रहा है कि भाई मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं, मगर मौका नहीं मिल रहा, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जहां भी आप जाए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इससे देश का फायदा नहीं होगा। सुझाव है मोदी जी के लिए, आप जीएसटी को फिर से देखिए। जीएसटी का लक्ष्य
जैसे आपने कहा एक देश एक टैक्स, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एक टैक्स होना चाहिए और 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, टैक्स को कम करना चाहिए और सिंप्लीफाई करना चाहिए। और दूसरी बात, छोटे दुकानदार जो हैं उनसे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए सरकार, छोटे बिजनेसमैन हैं, मिडिल साइज बिजनेसमैन हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या मुश्किल है, किस प्रकार से हम इसको आसान कर सकते हैं, कैसे हम आपको थोड़ी मदद कर सकते हैं। ये सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं, पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, मगर विपक्ष का नेता हूं तो थोड़ा सुझाव दे सकता हूं। फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा। मगर जब तक हमने चीन से मुकाबला नहीं किया, देखिए आप ये फोन देख रहे हैं, आपके हाथ में फोन, इसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है, आप अपनी शर्ट के पीछे देखेंगे मेड इन चाइना लिखा है, चप्पल के नीचे मेड इन चाइना है। जब तक हम मेड इन इंडिया नहीं करेंगे, मेड इन अमेठी नहीं करेंगे, मेड इन उत्तर प्रदेश नहीं करेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता है। और मोदी जी को देश का टाइम जाया करना बंद करना चाहिए और देश के युवाओं को रोजगार देना शुरू करना चाहिए। दो मुद्दे हिंदुस्तान में, किसान का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा, और बाकी सब छोटा है। इन ये दो चीजों को सरकार को करना चाहिए, और अगर ये नहीं कर सकते हैं, अगर मोदी जी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कह दें कि मैं नहीं कर सकता हूं और अब कांग्रेस पार्टी आ जाए वो मेरा काम कर दे। और हम सुनो भैया, और हम वो काम 6 महीने के अंदर करके दिखा देंगे। आप सबका यहां पे अमेठी में हमने अलग अलग हाईवे का काम किया, अस्पताल का काम किया, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, अलग अलग इंस्टीट्यूट दिए, फूड पार्क का काम किया था, फूड पार्क को इन्होंने यहां से निकाल लिया, और शायद फूड पार्क सबसे जरूरी चीज थी अमेठी में। फूड पार्क में 40 कारखाने अमेठी में लगते, फूड प्रोसेसिंग के, चिप्स के, टमाटर सॉस के, अलग अलग आंवला के, और इससे किसान अपना माल सीधा फूड पार्क में बेच पाते और उनको सही दाम मिलते। हमें काफी दुख हुआ है कि अमेठी के लोगों को बीजेपी ने चोट पहुंचाई, ये गलत है, मगर ये तरीका है, इनको इनकी सोच ही ऐसी है। मगर हम आपके लिए लड़ेंगे, और जैसे हमने आपके लिए पहले काम किया था उससे दुगना हम काम करके दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाइए, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आप जाके 2-3 चीजों के बारे में बोलिए। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अमेठी में कहा कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल वो रोजगार देंगे, 450 युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार मिलता है। बीजेपी और आरएसएस के लोग पहला जवाब ये दिए। दूसरा जवाब, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा था कि किसानों की मदद करेंगे, उनको सही रेट दिया जाएगा। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। हाँ, ये लड़का इसको बैठा हो यार, ये चेक वाला, ये तो भैया अलग अलग चीजें कहते रहते हैं।
देखा होगा भैया, आपने वीडियो देखा होगा, अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आपको दिखवा दूंगा। उसमें अमित शाह जी कहते हैं 15 लाख वाले वायदे के बारे में कहते हैं ये तो झुमला था, झुमला ये तो चुनावी झुमला था। तो ये जो अमेठी को जापान बनाने का बोला था ये भी चुनावी झुमला था, और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाला वो भी चुनावी झुमला था, किसानों की मदद करने का वो भी चुनावी झुमला था। धन्यवाद भैया। नीरज कोई फास्ट भागी, 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 भागी। तो कई मसलों को लेकर के राहुल गांधी ने, चूंकि अमेठी में हैं और कई दिन का उनका दौरा है और लगातार निशाना साध रहे थे, उन्होंने जीएसटी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और यह भी कहा है कि उनकी जो योजनाएं थी, जो यूपीए की योजनाएं थी, वो किसी न किसी रूप में मौजूदा सरकार लागू कर रही है। नरेगा को लेकर, मनरेगा को लेकर के उन्होंने निशाना साधा। यह मोदी पर राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई तंज कसे हैं। ये भी कहा कि उन्होंने जो जमीन अधिग्रहण बिल लाया उसकी वजह से किसान खुश हैं, क्योंकि पहले जबरन उनसे जमीन ले ली जाती थी लेकिन अब नहीं ली जाती, अब किसान खुद अपनी खुशी से जमीन लेता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समय में जीएसटी 18% हुआ करता था लेकिन बीजेपी ने जीएसटी 28% का टैक्स लगा दिया है। बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक तमाम मुद्दों को लेकर के पब्लिक को संबोधित कर रहे थे। एक सभा है उनकी अमेठी में और कई जगह इस तरीके की सभा है। शाम को भी एक वो शोक सभा में शामिल होंगे। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, नोटबंदी को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए और सीधे कहा कि छोटे कारोबारियों का बिजनेस तो बंद हो ही गया है, किसानों को भी परेशान इस सरकार ने कर दिया है। और उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल लाया, उन्होंने लोगों को काम दिया और ये सरकार कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जब सरकार थी तो वो लोगों के बीच में जाती थी, लोगों से बातचीत करती थी, समझती थी सारी चीजें, इसके बाद ही कोई योजना लागू करती थी। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है वो अचानक ही कोई योजना लागू कर देती है, उसके परिणाम, उसके रिजल्ट क्या होंगे ये बगैर सोचे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों को रोजगार देना चाहिए और हमने मनरेगा दिया है, भोजन का अधिकार दिया है, लेकिन इस सरकार ने अभी तक एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसे आप ठोस तरीके से कह सकते हैं। जीएसटी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा कि उनके जीएसटी में 18% टैक्स था लेकिन इस सरकार के जीएसटी में 28